से नाराज होके नहीं जाते बेटा, अपनी माँ से नाराज होके थोड़ी जाते। मेरे दिल में चैन हो रहा है, मेरे दिल को सुकून नहीं आएगा, मेरे दिल को सुकून नहीं आएगा। ठीक है, आप भी बेसकून रहेंगे और मैं भी। जानती है क्यों? क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे घर वाले मेरे साथ इस तरह से करेंगे। इसकी मत मारी गई थी, वरना मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती थी। गलत बात मत करें, आपको सब पता था। इस सब में आप बराबर की शामिल। आप लोगों ने सिर्फ मुझसे छुपाया। क्यों छुपाया मुझसे? आप लोगों ने तो मेरी वो हैसियत कर दी कि जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं हूं क्या आप लोगों के लिए? एक पैसे कमाने की मशीन, हाँ, जो सिर्फ आप लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए। ऐसे मत कह मेरे बच्चे, ऐसे मत कह, मेरा दिल दुख रहा है, मत कह ऐसे। आपका दिल दुख रहा है? आपका? अम्मी, दिल मेरा दुख रहा है, मेरा और सचिन का। उसे अपना नाम देकर इस घर में लेकर आया था मैं, और क्या किया आप लोगों ने उसके साथ? इतनी ज्यादतियां, उसकी वफादारी का ये सिला दिया आप लोगों ने उसे? माफ करते, अपनी माँ को माफ करते बेटा, गलती हो गई। बेटी की मोहब्बत की पट्टी ना मेरी आंखों पे बंधी हुई थी, क्या करूं? माँ हूं ना, अपनी बेटी का घर बचाना चाहती थी, इसलिए खुद गर्ज हो गई। और सजल को क्यों सजा मिलेगी? हाँ, मैं जाती हूँ सजल के घर, मैं लेकर आऊंगी, वो मेरी बेटी है, मैं उससे माफी मांगूंगी, मैं उसे घर लेकर आऊंगी। सचल अब इस घर में नहीं आएगी। अम्मी, ऐसे मत कह अशर, क्यों नहीं आएगी? उसका अपना घर है, उसे आना होगा। इसलिए नहीं आएगी क्योंकि क्योंकि मुझे अब आप लोगों पर यकीन नहीं। सचल को मैं शारजा अपने पास बुलाऊंगा, आप लोगों से मजीद ज्यादतियां नहीं करवा सकता उसके साथ। अशर, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। मैं चली जाती हूँ, मैं फसाद की जड़ हूँ ना, मैं जाती हूँ इस घर से, तुम मत जाओ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वैसे भी करना तो आपने वही है ना जो आपको ठीक लगेगा। गो। हाय, प्लीज अपना दिल बुरा ना करें, हमें आपकी जरूरत है। आप ट्राई करें, आप यहाँ पे कोई जॉब ढूंढ लें, पर हमें छोड़ के ना जाएं, प्लीज। सोचा तो यही था ना लीजा, लेकिन जरूरी नहीं कि हर वो चीज पूरी है जो सोची जा। मेरी कैब आ गई है, मैं जा रहा हूँ। मेरा बेटा अशर। अलीजा, अम्मी की दवाइयां इन्हें टाइम पर देना, अपना ख्याल रखिए। मेरा बच्चा मुझसे नाराज होके चला गया। कहा था ना मैंने तुझे, कहा था मैंने इसके बढ़ते हुए कदमों को रोक ले, जो भाई की इज्जत रोकने के लिए आगे बढ़े। कहा था ना मैंने तुझसे, अब देख, अब बैठ के रोएंगे। अम्मी मेरी बात तो सुन।